बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, प्री थ्री की उर्दू का आज हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें, आपने डेट लगानी है और डे राइट करना है, ठीक है। उसके बाद सबक नंबर 8 है हमारा और उसका टॉपिक है दो चश्मी है। इसका साउंड हम पढ़ते हैं ह और नाम इसका है हे। तो सबसे पहले ये जो आवाज़ें दी हुई हैं इनको हम भारी आवाज़ें कहते हैं, ठीक है। ये जो सारे साउंड्स दिए हुए हैं इनको हम कहते हैं भारी आवाज़ें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन भारी आवाज़ों को हम सारी पढ़ लेंगे। देखें, भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, रह, ड़, ख, घ, लह, मह और नह। ये टोटल हमारे पास 15 भारी आवाज़ें हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से आपने पहले रीड करना है। सबसे पहले आप इसको कम अज़ कम 5 to 10 टाइम्स जो है ना, इसको अच्छे तरीके से रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब अगले टॉपिक में देखें, लिखा हुआ है पहचानिए और लिखिए। पहचानिए मतलब अब हमने ये देखना है कि भारी आवाज़ों को हमने किस तरह लिखना है, ठीक है, किस तरह भारी आवाज़ बनेगी। अब हरूफ तहजी की इश्काल जो पहले दी गई हैं वो, और उसके साथ हम इसकी दो चश्मी ह जो है वो लगाएंगे और फिर उसका साउंड जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है ल, ल, सॉरी, ल साउंड है और उसके साथ है ह। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ के लिखना है, ल और ह को जब हम जोड़ के लिखेंगे तो इसकी जो भारी आवाज़ बनेगी ये वाली वो होगी लह, ठीक है। एंड में ह की आवाज़ आनी चाहिए, लह। आगे देखें, त दिया हुआ है, त और ह, तो इसकी जो साउंड है ये जब हम इसको ह के साथ मिला के लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, भारी आवाज़ में बदल जाएगी। तो हम इसको त नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसको पढ़ेंगे थ, ठीक है। त और ह को मिलाने से जो साउंड बनेगी हमारे पास, भारी आवाज़ की जो साउंड बनेगी वो बनेगी थ। आगे है क और ह, इसी तरह ये भी क नहीं पढ़ेंगे हम इसको, इसकी साउंड बनेगी ख। क और ह को जब हमने मिला के लिखा तो इसकी साउंड बन गई ख, ठीक है। ल, थ और ख। आगे देखें, ज, ह, ज और ह को जब हम मिला के लिखेंगे तो इसकी भारी आवाज़ बनेगी झ, झ, ठीक है। उसके बाद है न, ह, मह, न, ह, नह, ठीक है। ये सारी भारी आवाज़ें इस तरह हमने इनको पढ़ना है पहले, उसके बाद हमने हम इनको यहाँ पे इसी तरह नीचे लिखना भी है। इसके बिल्कुल नीचे आप इसको राइट करेंगे, ह इसी तरह से लिख लेंगे। अब ल आपको पता है कैसे हम लिखते हैं, ठीक है, इस तरह। अब जो ह है ये देखें, आपने इसको यूं यहाँ से शुरू करना है, लाइन के बिल्कुल ऊपर आप इसको यूं थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बनाएंगे इसकी, ठीक है। लाइन से टच करेंगे, इसी लाइन पे आप वापस मुड़ेंगे यूं ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आप इसको इसी लाइन पे वापस जाके इधर से यूं बना देंगे, समझ आइए। दोबारा देखें बेटा, इसको हम सीधी लाइन यहाँ से लगाएंगे पहले इस तरह, ठीक है। उसके बाद इसी लाइन पे वापस जाके आप इसको इस तरह बनाएंगे और फिर यहाँ से इसी लाइन पे वापस मुड़ेंगे और इसको यहाँ पे लाके ख़त्म करेंगे ल। तो जब जोड़ के लिखना है तब भी आप इसको लाइन से थोड़ा उठा के बनाएंगे, ल की आधी शक्ल यूँ बन जाएगी, ठीक है, ल। और यहाँ से हम इसको अब ह बनाएंगे नीचे की तरफ ऐसे, इस तरह, और यहाँ से इस तरह, ठीक है। ये ल की आधी शक्ल बन गई है। इसी तरह आगे वाली तमाम शक्ल आपने इसी तरह बनानी है, ह आपको जैसे मैंने ऊपर बताया इसी तरह आप यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी, और इसके साथ इसकी आधी शक्ल को जोड़ के नीचे इस तरह वर्ड बनाते जाएंगे, ठीक है। अब अगले पेज पे देखें, अगले पेज पे भी ये भारी आवाज़ें जो है ना ये इसी तरह पूरी तरतीब के साथ दी हुई हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन भारी आवाज़ों को पढ़ना है साथ साथ, और साथ साथ आगे यहाँ पर आपने इनको 3 टाइम राइट करना है। पूरा पेज नहीं लिखना, सिर्फ 3 टाइम आपने इसको यहाँ पर राइट कर देना है पूरा पेज। इसी तरह लिखने के बाद अब आपका जो नोटबुक पे काम होगा वो आपने देखें कैसे करना है। सबसे पहले आपने
इसी तरह टॉपिक लिखना है, दो चश्मी है नोटबुक पर, ठीक है। डेट और डे लिखने के बाद तो आप भ से लेके नह तक जो है इसी तरह ही भारी आवाज़ें जो है ना आप नोटबुक के ऊपर लिख लेंगे। एक लाइन पे आपने थ्री थ्री वर्ड लिखने हैं नोटबुक पे, ठीक है। मार्जिन लाइन लगा के थ्री वर्ड लिखने हैं, उसके बाद नीचे नीचे आपने इसी तरह इनको यहाँ से यहाँ तक सारा पूरा लिख लेना है, ठीक है। एक पेज पे आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। अगले पेज पे आपने क्या करना है, ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, ये थ्री वर्ड बनते हैं। यहाँ पर दो बार लिखने के लिए दिया हुआ है, मतलब टोटल थ्री टाइम हो रहा है ना, वन टू और थ्री, लेकिन नोटबुक पे आप इसको टू टाइम लिख लेंगे इसी तरह, ठीक है। एक लाइन दरमियान में छोड़ देनी है आपने, ऊपर लिखेंगे, दरमियान वाली लाइन छोड़ के नीचे फिर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये थ्री वर्ड आपके एक पेज पे आ जाएंगे, लाइन छोड़ छोड़ के आपने इसी तरह नीट एंड क्लीन इनको लिखना है। और उससे अगले पेज पे आपने ये वाला जो ब्लॉक है ये इसी तरह बना लेना है, ठीक है। ये वाला भी इसी तरह लाइन छोड़ के आपने मतलब टू टाइम राइट कर देना है इसको, झ को, मह को और नह को, ठीक है। ये वाला ब्लॉक आपका पूरा इसी तरह बन जाएगा। और अगले पेज वाली जो बारिश काल दी हुई है वो दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही उसको यहाँ पे लिख चुके हो। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो भारी आवाज़ें हैं इनकी आवाज़ें बिल्कुल क्लियर आपने अच्छे तरीके से लर्न करनी है, ठीक है। नोटबुक पे लिखने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और साथ साथ इसकी फिर प्रैक्टिस भी करनी है। शुक्रिया।